रुको चैतक्य, सच कुछ दिख नहीं रहा दंडवत से, कुछ तो है जो छूट रहा है। हां पांव चाटो, देखा नहीं कभी कुत्तों को पांव चाटते हुए? असंभव, हमारे सामने हमारी ही अवज्ञा। क्या करे हो चंद्रगुप्त, चाट लो पैर, महाराज प्रसन्न होंगे, हमें छोड़ देंगे, है ना महाराज? हाँ, अगर हमारा चैतक उसका सही चित्र बना देगा तो, और वो हमें पसंद आ गया तो हम तुम सबको जाने देंगे, और अगर नहीं तो हमें विवश होकर तुम सबके सर को इस चित्र के साथ गुरुकुल के प्रधानाचार्य को भेजना पड़ेगा, क्योंकि अनेरा जब भी कोई संदेश भेजता है तो उसको सशक्त होना ही चाहिए, और फिर यह संदेश तो हम गुरुकुल के प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो हमारी गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए ना। कोई भी अपने स्थान से हिला तो समझ लो कि तुम्हारा राजा गया है। हम लोग क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? पागल तो नहीं होगे तुम? ये तो वैसे भी हमें छोड़ने वाला नहीं था, हमारे प्राण लेने से पहले ये हमारे गुरुकुल और आचार्यों का अपमान कर करके स्वयं का मनोरंजन कर रहा। तुम लोग भागो यहां से, मेरी चिंता मत करो, भागो। पर तुम, अरे छोड़ो ना उसे, भागो बोला तो भागो, उसके चक्कर में रहेंगे तो ऐसे ही मरेंगे, पर वैसे भी तो भागो। हाँ सुकान, निकलो यहाँ से, नेता है हमारा, जिए मरे इसकी पागे पे, चलो यहाँ से। हाँ शशांक सही कह रहा है, तुम ये मेरी चिंता मत करो, भागो यहाँ से। चलो, हमारा गुरुकुल सदैव एक महान संस्था थी और रहेगी, अपने गुरुकुल के सम्मान की रक्षा मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा। तो अब तू अपने प्राणों के बारे में भूल जा, डाल दो इसे काल कोठरी में, कल सूरज की पहली किरण के साथ इसे मृत्यु दंड दिया जाए, और हमारा चैतक्य उस सुंदर क्षण को चित्र रूप देगा जिसे हम इसके सर के साथ गुरुकुल भेज देंगे। नहीं नहीं देता क्या तुझे? अमृत कुमार बुला रहे तुझे। यदि कोई मुझे बुला रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा नाम राजस है। अरे
राजकुमार के सामने जवान चलाता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, विराजस ही सही। तो विराजस, उस घोड़े पे जो भोजन रखा है हमारे लिए, उसे यहाँ हमारे सामने लेकर आओ। तुम अपने जीवन दाता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो विराजस। राजकुमार को यदि भूख लगी हो तो यह खा सकता है। आप एक बार आज्ञा देकर तो देखें। देखें क्या? आप तो आज्ञा दीजिए मुझे। चिल्लाने से कोई बड़ा योद्धा नहीं बन जाता। तुम दोनों इसलिए बचे हो क्योंकि इनको तीन मृत्युदंड वाले बंदी चाहिए थे, वरना वचनबद्ध हो, सेवक नहीं हो आपका। जीवन दान के लिए कवच लाने का खतरा उठा लिया था। बस यहां है जंगल, और जंगल में सब मिलजुल कर रहेंगे तो बचे रहेंगे। अगर ये बात समझ में आती है तो ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुक्त होने के लिए कवच लाना है बस। यदि यही बात है तो क्या तुम हमारे लिए हमारे शत्रु चंद्रगुप्त को समाप्त कर सकते हो? अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूं। आचार्य, चित्ररूपा को हमने अपना गुप्तचर बनाकर धनानंद के राजमहल में भेज दिया है, और चंद्रगुप्त भी अपनी वीर यात्रा पर निकल चुका है। अब अगर देखा जाए आचार्य, तो हमारा सब काम हो गया है। नहीं मदरबल, कार्य तो बहुत बड़ा लिया है हमने अपने हाथ में, जो अखंड भारत के निर्माण से पहले कैसे पूरा हो सकता है। जो तुमने अभी कहा वो उस महत्वपूर्ण कार्य की एक क्रिया मात्र है। तो फिर हमारा अगला चरण क्या होगा आचार्य? पता लगाओ कि सिकंदर कहां तक गढ़ा है। जी आचार्य। सभी जनपदों में शांत बैठे हमारे संदेश वाहकों से संपर्क साधो। हर जनपद की वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए। इसलिए यदि कुछ लोगों को क्रांति की प्रासंगिकता पर संदेह हो तो क्रांति की आवश्यकताओं का निर्माण करो। क्रांति तभी सफल होती है जब बहुमत को उसकी आवश्यकता हो। अब बहुत कुछ चंद्रगुप्त पर निर्भर करता है। शीघ्र हो वो तैयार, उसी के नेतृत्व में होगी यह क्रांति। आचार्य, पता नहीं क्यों लेकिन
जब से चंद्रगुप्त वीर यात्रा पर गया है मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि नियति स्वयं करेगी उसकी रक्षा। फिर भी हम करेंगे उसकी रक्षा, क्योंकि यही भूमिका है हमारे इतिहास में। मिला है जो हमें नियति से, हम उसे संवारे मन से। बहुत ही अकड़ दिखा रहा था, निकल गई ना सारी हैकड़ी। तुझे पता नहीं कि तू कहां आके फंस गया है? ये वंदी भूज है, वंदी भूज। और यहाँ की काल कोठरी में जो एक बार आ जाता है ना, वो अंधेरे में ही मर जाता है। यहाँ से शव बनकर ही बाहर निकलता है बंदी। राज के सैनिक हमारा पीछा कर रहे होंगे। और चंद्रगुप्त, बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारी, उसी के चक्कर में हुआ ये सब। पता नहीं क्यों हमेशा नायक बनने का भूत सवार रहता उसके सर पे। पहले तो मानचित्र खा गया, फिर मूर्खों की तरह जाके राजा से भिड़ गया। उसी का क्या धरा है ये सब। अगर हमारी बात मानता तब तक गुरुकुल आराम से पहुंच चुके होते हम लोग। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम उस चंद्रगुप्त के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। वो जाने उसका काम जाने, हम तो जान बचाए पहले। चलो यहां से। को सूचित किया जाता है कि मगध नरेश महाराज धनानंद के आदेश से आज उत्कृष्ट नर्तकी हेतु प्रतिस्पर्धा होगी। विजेता नर्तकी को राज नर्तकी का सम्मान दिया जाएगा। राज नर्तकी का सम्मान पाने वाली नर्तकी को भरपूर स्वर्ण के अतिरिक्त राजकीय सुविधा युक्त महल और राजकीय चिन्ह युक्त रथ दिया जाएगा। सुंदर और उत्कृष्ट नर्तकियों की खोज की कहानी में एक नया मोड़। बहुत हो चुका सुंदर नर्तकियों की खोज के नाम पर। अब अगर कोई नर्तकी हमें प्रसन्न नहीं कर पाई तो उसे मरना होगा। तिरकट तिरकट धा धा धा। कुछ भी तो नहीं मांगा हमने, सिर्फ हमें प्रसन्न करो या मरो।
जाओ। मुझे इसी क्षण महाराज से मिलना है। वो कौन है जिसने हमारे रंग में भंग डालने का दुस्साहस किया? हमारे तन में जब तक अंतिम सांस है, हमें अपने जन्म की सार्थकता के प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। धनानंद को मिटाने का कार्य शुरू हो चुका है। क्या तुम इस अभियान का एक हिस्सा बनना चाहोगी? क्षमा करें महाराज, मैं कोई नर्तकी नहीं, मैं एक साधारण कलाकार हूं। किंतु यहां कलाकारों पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं वो नहीं सह सकती। मैं अपनी जैसी और बहनों का जो रक्त बहता नहीं देख सकती, इसीलिए इन्हें बचाने के लिए मैं यहां आपकी चुनौती स्वीकारने आई हूं। यहां अच्छी से अच्छी नर्तकी हमें प्रसन्न नहीं कर पाई, और अब तुम प्रयास करोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं प्रयास करने आई हूं। मैं यहां आपकी चुनौती स्वीकारने आई हूं महाराज, और मैं भली भांति जानती हूं मैं आपको प्रभावित कर लूंगी। ठीक तो क्योंकि तुमने हमारी रंग सभा में भंग डाला है, इसलिए अगर तुमने हमें अपने नृत्य से प्रसन्न नहीं किया तो हम अपने राज वैद्य द्वारा तैयार किए गए विशेष रसायन, जिसका केवल मृत्यु दंड के लिए प्रयोग किया जाता है, वही रसायन हम तुम्हारे शरीर पर धीरे धीरे डालेंगे। दादा दिन्ना, दादा दिन्ना। और तुम तिल तिल कर जलोगी। तिरकिटदा तिरकिटदा तिरकिटदा।
कवच को भी प्रतीक्षा है एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की। जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष तुम वीर यात्रा पर जाओ और उस अनमोल कवच को प्राप्त करो। शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं अपने सामने खड़ी मृत्यु से आंखें मिलाकर यह कह सकूं कि भले ही मैं अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, भले ही मैं अपने मां को नहीं बचा पाया, परंतु अपने गुरुकुल के सम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राण तो न्यौछावर कर रहा हूं। मैं फिर से गलत स्थान पर आ गया। ये
मैंने अभी यहां किसी की आवाज सुनी। किससे बात कर रहा था रे? भगवान से। ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आज मेरा ये यहां से भागने का समा प्रयास था। मानचित्र के अनुसार हम सही मार्ग पे हैं। हमने समय भी नहीं गवाया। चंद्रगुप्त अभी तक क्यों नहीं टकराया हमसे? परंतु आपने ही तो कहा था कुमार कि उसके साथ आपके मित्र भी हैं, जो उसे जुगत भिड़ा के वापस ले आएंगे बीच से ही। वो पूरी खाली है इस कालचक्र। यदि इनके मित्र उस लड़के को वापस लाएंगे तो क्या दूसरे रास्ते से आएंगे क्या? रास्ता तो यही होगा ना। एक बार तुम्हारा दल आंभिक के दल से अलग जा रहा होगा, किंतु तुम लोगों को आपस में तालमेल बिठाए रखना है। कुमार को इस विषय में पता होना चाहिए कि तुम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हो, कौन सा मार्ग पकड़ा है तुम लोगों ने। यदि तुम्हें लगे कि तुम लोग मानचित्र वाले मार्ग से कहीं अलग जा रहे हो तो लकड़ियां इकट्ठा करना, लकड़ियां जलाना, उनमें से एक लकड़ी अध जली, किंतु स्मरण रहे कि उस जली हुई लकड़ी का जला हुआ हिस्सा उसी ओर होना चाहिए जिस ओर तुम लोग जा रहे हो। उससे कुमार को तुम लोगों की दिशा का अनुमान मिलता रहेगा। समझ गए? समझ गए आचार्य। ओ, तो मानचित्र के अनुसार नहीं जा रहे हैं वो लोग, पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं वो। चलो उनके पीछे चलते हैं। उस चंद्रगुप्त से भी हमें हमारा हिसाब बराबर करना है। पर वैसे भी हमसे पहले नहीं पहुंच पाएगा वो उस कवच तक। रुकिए कुमार, आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कवच या वो लड़का? गुरुकुल में अपना सम्मान वापस पाने के लिए हमें वो कवच किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, तो फिर हमें हमारी दृष्टि चिड़िया की आंख से नहीं हटानी चाहिए। कवच तो फिर केवल कवच। उस लड़के को तो कालीचरण ही मार देगा, वैसे भी इसने इतने लोगों को मारा है, वो लड़का इसके लिए क्या है? आप इसे भेजिए अपने शत्रु के पीछे और हम चलते हैं कवच वाली दिशा में। हाँ कुमार। मैं मारूंगा उसको, मुझे भी किसी को मारे हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या नाम बताया उसका? चंद्रगुप्त। उसके साथ हमारे कुछ मित्र भी होंगे, उनके समक्ष हमारा नाम ले लेना, समझ जाएंगे वो। फिर वे सब चंद्रगुप्त को समाप्त करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कुमार, चंद्रगुप्त तो मर गया समझो।
कि महाराज धनानंद पधार रहे हैं। ना 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 ना, लेटी रहो चित्र रूपे, लेटी रहो। किया तुमने अपने नृत्य से हमें प्रभावित किया। नहीं, प्रभावित नहीं, तुमने अपने नृत्य से हमें मंत्रमुग्ध किया। तेरा इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम तुम्हें मगध की राज नर्तकी घोषित नहीं करते हैं। तिरधा हम तुम्हें अपनी निजी नर्तकी घोषित करते हैं। आज के बाद तुम्हारा दिव्य नृत्य केवल हमारे लिए होगा। समझ में नहीं आ रहा है महाराज, अपने सौभाग्य को मैं क्या कहूं। मैंने हमेशा हमेशा आप जैसे पुरुष का सपना देखा, बरसों से आपकी वीरता, आपकी कला की सपने देखती रही, कहानियां सुनती रही। और सपने देखे आपके। सच तो ये है कि मैं भी आपके आपके पास आना चाहती थी। तिगर्दा धागा, तिगर्दा बिल्कुल यही हमारे मन में भी था जब तुम पहली बार हमारे सामने पूरे विश्वास के साथ आई थी। तो तुम्हें देखते ही हमारे मन में बिजली कौंधी थी, बिजली चित्र रूप में बिजली। महाराज तीन रथ फूल, आपको इतने फूलों की आवश्यकता, कारण समझ नहीं आया इसलिए आपसे पूछने के लिए आना पड़ा। ओ, तो फूलों की व्यवस्था हो गई। तुरंत उन फूलों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, फिर देंगे हम तुम्हारी शंका का जवाब। आप बताएं महाराज, क्यों चाहिए आपको इतने फूल? हमें इतने सारे फूल इसलिए चाहिए क्योंकि हम चित्र रूपा के साथ सर्वधाम जाएंगे। तो उसके लिए इतने तीन रथ फूलों की आवश्यकता? वो इसलिए है, हम नहीं चाहते शैया से लेकर स्वर्गोधान तक चित्ररूपा को अपने पैर धरती पर रखने पड़े। इसलिए चित्ररूपा हमारे साथ स्वर्गोधान तक फूलों पर चलकर जाएगी। तिगड़धार
अच्छा तो कहानी ये है तुम्हारी। निकले तो थे तुम वीर यात्रा के लिए, लेकिन प्राप्त हो रहे हो वीर गति को। आपकी कहानी क्या है? विडंबना, तुम्हारी और हमारी कहानियां मिलती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस कवच को ढूंढने के लिए तुम वीर यात्रा पर निकले हो, वो कवच हमारे ही पुरखों का है। आश्चर्य मत करो, उस कवच के मार्ग चित्र का अंतिम बचा रक्षक हूं मैं। ये राजा अनेराज, मुझसे उस कवच की दिशा और मार्ग के बारे में जानना चाहता था। मैंने नहीं बताया, वो इस कवच के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है, वो उसका दुरुपयोग करता। इसलिए मैंने अपने पुरखों के इस धरोहर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया, और आज उसी का फल भुगत रहा हूं यहां सड़कर। नहीं, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मात्र एक कवच के मानचित्र के लिए कोई राजा किसी को मृत्यु दंड कैसे दे सकता है? मैं भी जानता हूं उस कवच का मार्ग, मैं तो उसे पूरा याद कर चुका हूं। तो फिर गुरुकुल से आज तक कोई पहुंचा क्यों नहीं वहां? गुरुकुल में तुम्हारे आचार्य मार्ग चित्र तो पढ़ाते होंगे ना? तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं, हमारे गुरुकुल का मानचित्र सही नहीं है? गुरुकुल वाले मानचित्र बनाते हैं सिद्धांत के आधार पर, लेकिन ये कवच एक टापू पर है, एक छोटे टापू पर, जो भूगर्भीय परिस्थितियों के हिसाब से अपना स्थान बदलता रहता है। इस स्थान परिवर्तन को हमारे ही वंश के लोग भांपते हैं। अर्थात जो मानचित्र लेकर हम वीर यात्रा पर निकले थे वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें भूगर्भीय परिवर्तनों का समावेश है ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए यदि हम दोनों यहां से बचकर निकल जाते हैं, तो क्या आप मुझे उस कवच का सही मार्ग बताएंगे? यहां से कोई नहीं निकल सकता बच्चे, कोई नहीं। ये आज मेरा सवा प्रयास था यहां से निकलने का, पिछले 6 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, अनगिनत सुरंगें खोद चुका हूं मैं यहां पर, लेकिन यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इस जगह के चारों तरफ पानी है, सिर्फ एक तरफ जमीन है, वही निकलता है मुक्ति का मार्ग जो अभी तक नहीं मिला। उस बोरी में है क्या? शव है, बंदीगृह में जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है उनके शव है। यहां से जीवित निकलना मुश्किल है, सिर्फ शव ही जा सकते हैं। क्या आप मुझे शवगृह ले चलेंगे? हाँ, ले जा सकता हूं। अब यहां से निकलने की एक योजना है मेरे पास, परंतु पहले आप मुझे वचन देंगे, यदि मैंने आपको यहां से निकाला तो आप मुझे उस कवच तक पहुंचने का सही मार्ग बताएंगे। हाँ, दिया वचन। योजना बताओ, योजना क्या है? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, परंतु अब आप अपनी कोठरी में जाइए और रात होने की प्रतीक्षा कीजिए।